इसरो का अंतरिक्ष पराक्रम। समय आप देख रहे हैं, दो S-200 रॉकेट दोनों का प्रज्वलन हो गया है। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान का दमखम। चंद्रयान 3 का काउंटडाउन। 7, 6, 5, 4, 3, 2। इस बार देश के सिर जीत का क्राउन। प्रधानमंत्री के हौसले से बड़ी उड़ान। चार साल बाद मिशन चंद्रयान। चांद की इंटरनेशनल रेस, अब बस कुछ वक्त शेष। मिशन मून, महाविजय सून। टिक टिक करती घड़ी की सुई के कांटे जैसे जैसे वक्त को बदलने का संकेत दे रहे हैं। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की घड़ी करीब आ रही है। वो चांद जो हमारी कविताओं में है, वो चांद जो हमारी आस्था में है, और वो चांद जो हमारे आसमां में हमारे सबसे करीब है। अब वक्त उस चांद को दूर से निहारने का नहीं, बल्कि चांद की जमीन तक पहुंचने का है। और देश ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35। ये है वो समय और तारीख जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। वी आर होपिंग लॉन्च विल टेक प्लेस ऑन 14th एंड सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन द मून, दैट्स आवर होप। ये सिर्फ इसरो चीफ एस सोमनाथ की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की सपनीली आंखों की उम्मीद है। एक सपना है जिसके पूरा होने का इंतजार हिंदुस्तानियों को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जुलाई 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 फेल हो गया था। उससे सीखते हुए इसरो ने इस बार कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए कमर कस ली है। सारी तैयारियां चाक चौबंद है, बस कुछ घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्षयान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। एक सवाल सबके मन में उठ रहा होगा कि आखिर चांद ही क्यों और चंद्रयान का मकसद क्या है। प्रयास किन रहस्यों से पर्दा उठाने का है और ऐसी कौन सी ठोस जानकारी है जो अभी तक हमारे पास नहीं है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया था जो 8 नवंबर 2008 को चांद पर पहुंचा। हालांकि 29 अगस्त 2009 को मून इंपैक्ट प्रोब से संपर्क टूट गया, लेकिन यही वो मिशन था जब पहली बार चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी की अणुओं की खोज हुई। ऐसे में अब इसरो की नजर चांद की सतह के अंदर छिपे उन रहस्यों से पर्दा उठाने की है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ जा रहा रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद का केमिकल विश्लेषण करेगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, चांद तक पहुंचना पहला, तो दूसरा वहां सरफेस के ऊपर लैंड रोवर को उतारना और फिर उसके बाद वहां पर साइंटिफिक स्टडीज करना। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है।
क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है, मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है, जबकि आधी सतह खूब अंधेरे में डूबी है। अंधेरे में डूबा चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जो अपने आप में रहस्यों का संसार है। इसरो की तैयारी इसी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की है, जो अपने आप में कई सारे रहस्य समेटा हुआ है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। हम एक रोवर को और एक लैंडर को वहां पर लैंड करा सकते हैं सक्सेसफुली वहां पर, और जो वातावरण है वहां का, जो 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 हालात हैं चांद के ऊपर और जो खनिज पदार्थ हैं उनके ऊपर साइंटिफिक स्टडी करना एक और ऑब्जेक्टिव है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम बढ़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ।